अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी एंड विद आयशा। आज हम बना रहे हैं ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। ब्रेड की जो फिलिंग है उसमें हम होममेड बनाएंगे एप्पल का जैम। तो ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनने वाली है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैम बनाएंगे। जैम बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून किशमिश चाहिए, 1 टेबलस्पून हमें बटर चाहिए अनसॉल्टेड, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए सिनेमिन पाउडर, और ये हमारे पास है लंबाई में कटे हुए सेब, इनको मैंने छिलके समेत काट लिया है। और जिसके अंदर हम ब्रेड को जैम को फिल करेंगे वो ब्रेड है, इसको मैंने कप की हेल्प से गोल स्लाइस काट लिए हैं ब्रेड के। और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए चीनी। कस्टर्ड की गार्निश के लिए हमें चाहिए कटे हुए केले, और ये हमारे पास है स्ट्रॉबेरी। तो सबसे पहले हम जैम बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे बटर। बटर को हम मेल्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया, साथ ही हम इसके अंदर एप्पल डाल देंगे। एप्पल डाल के हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि एप्पल हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 मिनट हो गया है, एप्पल हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी डाल के हम इसे पकाएंगे। इसके बाद हम चीनी को मिक्स कर देंगे। जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो देखें चीनी हमारी कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर सिनेमिन पाउडर डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा प्रोसेस हमने मीडियम फ्लेम पे करना है। सिनेमिन पाउडर डाल के हमने इसे चंद सेकंड पकाया है। अब हम इसके अंदर किशमिश डाल देंगे। किशमिश डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैम हमारा रेडी है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उस पर हम जैम लगाएंगे, जैम की फिलिंग करेंगे। ऐसे दूसरा हम सुपर स्लाइस रख देंगे और उसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। बाकी भी हम ऐसे स्लाइस बना लेंगे। ये हमारे पास कस्टर्ड है। कस्टर्ड को हमने बना के 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था, अभी ठंडा हो चुका है। कस्टर्ड की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम ब्रेड के ऊपर कस्टर्ड को पोर करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके हम इसके ऊपर पोर कर देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को हमने इसके ऊपर पोर कर दिया। अब हम इसके ऊपर केले डालेंगे और किशमिश जो हमने काट के रखे थे, सारे इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर फिर लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। तो एक और कस्टर्ड के हमने लेयर लगा दी, इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे हाथ से। अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे। तो कस्टर्ड को हमने स्ट्रॉबेरी के साथ गार्निश कर दिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा रेडी है, हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपका कस्टर्ड कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।